शहर में गैंग बनाकर लूटपाट करने का वीडियो तो सबने देखा, लेकिन शहर में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां गुंडागर्दी का लाइसेंस सरकार द्वारा दिया गया है और ठेकेदार तथा उसके दर्जनों गुर्गे समूह में आकर अकेले निहत्थों के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना बिछिया थाना अंतर्गत कुसा भाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय की है, जहां बीती रात को त्यूनी के समीपस्थ ग्राम सहेवा में राहुल पांडे की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। कन्या होने की खुशी में रात लगभग 10:30 बजे अजय पांडे नवजात बच्ची को कपड़े व हर्षोल्लास से मिठाई खरीदने के लिए अपनी दो पहिया गाड़ी निकालकर जाने ही वाले थे कि पार्किंग ठेकेदार रुपेश सिंह ने 10 रुपए की बजाय 40 रुपए की मांग की, जिस पर अजय पांडे ने 10 रुपए देते हुए नियम विरुद्ध पैसे मांगने का विरोध करते हुए कहा, अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मेरी बोलेरो गाड़ी भी आपकी पार्किंग में ही खड़ी है, अभी अभी मेरे रिश्तेदारों को कन्या हुई है जिसकी खुशी में मैं मिठाई व कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, लौटकर मैं आपको पैसे दे दूंगा और आपका मुंह भी मीठा कराऊंगा। इतना सुनते ही ठेकेदार रुपेश सिंह के इशारे पर उसी के एक युवक ने गाड़ी गलौज करते हुए मारना शुरू कर दिया और ठेकेदार के लगभग दर्जन भर से अधिक युवक इकट्ठे होकर मारने लगे। शोरगुल सुनकर पीड़ित अजय पांडे के रिश्तेदार राहुल पांडे ने बाहर आकर देखा तो अजय पांडे को पिटता देख बीच बचाव करने पहुंचे तो ठेकेदार रुपेश सिंह और उसके दर्जन भर से अधिक गुर्गों ने निहत्थे अजय पांडे और उनके रिश्तेदार राहुल पांडे के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट करते हुए और छीना झपटी कर आपातकालीन स्थिति के लिए रिश्तेदार राहुल पांडे की जेब में रखे 6,000 रुपए और बोलेरो की चाबी लूट ली। पीड़ितों ने ठेकेदार रुपेश सिंह और उसके कोरेक्सी छर्रों के चंगुल से निकलकर बिछिया थाने के अंदर घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह के निरंकुश असामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्यवाही कर पीड़ित को न्याय दिलाते हुए समाज में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति से कुंठित अपराधियों में भय व्याप्त हो सके और जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन की लाज भी बचाई जा सके। भैया एक देखा।